तो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज जस्ट सीखने वाले हैं कि घर में पंचर कैसे बनाएं साइकिल की। यार लॉकडाउन लगा है, पंचर हो गई, दुकान तो खुल नहीं रही है, तो कैसे बनाओगे पंचर आप बताओ। तो आज सीखेंगे कैसे पंचर बनाते हैं साइकिल का, और बाकी उसका भी बना सकते हो। उसके लिए दूसरा पंप चाहिए, मेरे पास वो पंप नहीं है, पर अभी तो साइकिल मेरी पंचर है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे साइकिल का पंचर बनाते हैं, ठीक है ना। तो पूरे वीडियो में बने रहना, पूरे ध्यान से देखना, पूरे एकाग्रता से देखना, पूरे मगन से देखना, आप लोग जरूर सीख जाओगे, ठीक है ना, साइकिल का पंचर बनाना। और कभी भी साइकिल पंचर होगी बना लो। और अभी तो लॉकडाउन है भैया, कब पता कब खुलेगा लॉकडाउन। तो घर में तो यार पंचर कई बार साइकिल चलाते हैं और पंचर हो जाती है, तो मैं तो बनाता ही रहता हूँ, तो आज आप लोग को भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले क्या करना है, देखो ये दिख रहा है ना, ये बाल दिख रही है, इसको निकाल लेना है। ये देखो, ये ऐसे करके निकाल लेना है ये, और ये इधर पे एक और नट रहता है, तो ये भी निकाल लेना है, ये वाला लेना है, ठीक है ना। सबसे पहले इसी को खोलना, से जब आप ये टायर लीवर लगाओगे ना, इनको टायर लीवर बोलते हैं, आपको ये दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी खोलने के लिए, और ये सिलोचन बोलते हैं इसको, साइकिल सिलोच सॉल्यूशन नंबर 4। तो इसको आपको चिपकाने के लिए, और ये इससे पंचर घिसेंगे, ठीक है ना, तो उसके लिए लगेगा। तो और ये कैंची की ज़रूरत पड़ेगी, और ये छोटा सा ट्यूब, नहीं तो वो मार्केट में वो भी मिलते हैं जो गाड़ी में लगाते हैं, ठीक है ना, वो भी लगा सकते हो। और एक ये पंप की ज़रूरत पड़ेगी, ये रखा है, बनाता हूँ। तो ये टायर लीवर आप ना वेल्डिंग की दुकान से बनवा सकते हो, साहिल ने बनवाया था। सबसे पहले इस तरीके से ना, नया टायर रहता है तो ग्रिप खोल लिए करना ऐसे करके, ये बहुत ज़रूरी है ग्रिप खोलना, इससे ना जल्दी खुल जाता है टायर। और फिर इसके बाद इस तरीके से बिल्कुल ऐसे फंसाना है कि अंदर का ना टूप ना फंसे, देख के इसको इस तरीके से फंसाना है, और ऐसे, और फिर इस एक हाथ से ये वाला टायर लीवर पकड़े रहना है, और दूसरे हाथ से जॉन सा हाथ आपका चल जाए, तरीके से बिल्कुल हल्के से करना है, ठीक है ना, बड़े ध्यान से, और धीरे से देखना है टूप ना होले, और धीरे धीरे इस तरीके से इसको निकाल लेना है। बिल्कुल आराम से करना है, नहीं तो पूरा आपका ट्यूब खराब हो जाएगा। इसको ये बाल है ना जो ट्यूब की, इसको निकालना है आराम से बिल्कुल। तो गाइस ये देखो कितना बारीक पंचर है अभी, हाँ ये देखना पानी में, यही आ रहा है फव्वारे पानी में। और ये पंचर ये देखो, ये कल बनाया था ये वाला पंचर, ये दिख रहा है ना आपको, ये पंचर मैंने कल बनाया था, और ये दो साहिल ने बनाए थे पहले। तो ये देखो यहीं हो रहा, मतलब टायर में या ये स्पोक में ना कुछ डला है या कुछ भी खराबी है, तो उसको देखना पड़ेगा, बिकॉज 5 दिन से पंचर हो रही है यार ये साइकिल। ये लकड़ी नहीं फंस रही यार, पतला कर लो तो और अच्छा, नहीं पंचर फ्री में बड़ा हो जाए। ये था पंचर, फिर इसके बाद लकड़ी डालने के बाद ना पूरा मैंने चेक कर लिया है, और एक बार और पूरा चेक कर लिए करना, के बाद इसको निकाल दो फिर से। अब इसको मैं घिसूंगा। तो गाइस ऐसा गंदा कपड़ा होता है ना घर में, तो उसको इस तरीके से ऐसे पोंछ सकते हैं आप लोग, बिकॉज पानी इधर सूख जाएगा तो अच्छे से घिसने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अच्छे से चिपक भी जाएगा। ध्यान से देखना है कहाँ पे है पंचर, और वहीं बस घिसना है। ये है, और कई चीज़ आती हैं घिसने के लिए, मैं तो इसी से घिस रहा हूँ, और इस तरीके से आराम से स्लोली घिसना है। तो गाइस इस तरीके
तरीके से देखो, इतना घिस सकते हो आप लोग अपने हिसाब से, ठीक है ना। ये ट्यूब है या मतलब कोई सा भी ट्यूब यूज कर सकते हो आपके अनुसार, या कोई भी रबड़ की जो चीज़ चिपक जाए, ऐसा नहीं कि जो आपको अवेलेबल हो वो कर सकते हो। और बाकी मैं तो इसके अंदर तरफ ही घिसता हूँ। तो गाइस देखो, इस तरीके से घिस लेना है, ठीक है ना। पर जितना गोल चाहिए, मतलब गोल कैसा भी बना सकते हैं अपने हिसाब से आप। इस तरीके से मैं गोल बना रहा हूँ, तरीके से ऐसे 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 ये बन गया। पर ऐसे फूंक लो, कचड़ा चढ़ा रहेगा, हट जाएगा। दिए ये स्लोचन स्लोसन सॉल्यूशन कुछ बोलते हैं इसको, पर जो भी बोलते। इस तरीके से इसमें भी लेना है और इसमें भी लेना है, ठीक है ना। इसका ढक्कन बंद कर दो, नहीं तो जितना है सब ख़त्म, ख़राब हो जाएगा सूप। और थोड़ी देर इसको छोड़ना है, इसमें भी ऐसे हाथ फेर लिए, थोड़ी हवा लग जाए इसमें, ठीक है ना। और कहाँ, यहीं था ना, हाँ। और ऐसे करके ये चिपका देना है आराम से, बिल्कुल थोड़ी देर छोड़ दो, ठीक है। गाइस थोड़ी देर छोड़ने के बाद इस तरीके से ना इसको किसी भी कहीं भी रख सकते, साइकिल में तो ये बना ही रहता तो और अच्छी बात है। बाकी कहीं भी रख के इस तरीके से इसमें थोड़ी वजन ऐसे मार दिए, अच्छे से चिपक जाता है। तो गाइस इस तरीके से ये चिपक गया ना। फिर इसके बाद ट्यूब को भी, मतलब टायर है इसको भी चेक कर लो, और इसमें ये लंगोटी डाल सकते हो। इसी ट्यूब का ख़राब ट्यूब रहता ना, उसको टायर अगर ख़राब है तो मज़ा आना चाहिए। बस चेक करना बहुत ज़रूरी है। और ये ना कट मार रहा है बिकॉज इसके अंदर बहुत सारा कचड़ा डाला है। तो गाइस इस तरीके से चेक करने के बाद ये ट्यूब की ना नली पकड़ के बहुत ही आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे, इस तरीके से उसको अंदर डालना है। जैसे ही अंदर चला गया, जैसे इसको अंदर कर दिए, और फिर धीरे धीरे ऐसे करके, हाथ से हो रहा है तो हाथ ही से करना है ये अंदर टायर को, ठीक है ना। पहली बार ऐसे डालना है कि ट्यूब को ना कोई भी नुकसान ना हो। कैसे इसकी ग्रिप नीचे कर लिए करना, मतलब ये जो ग्रिप है ना इसको ऐसे करके नीचे करना है इसको अच्छे से। चला गया अंदर। बस सबसे पहले ये वाला नट लगाना है, ये जो सबसे पहले खुला था ना, नहीं तो ये कट भी सकती है अभी चलाते टाइम। और फिर इसके बाद ये लगा दिए। इसके बाद ना इसमें फिर जो कितना हवा भरनी है, पंचर बन चुका है। और इसको अब मैं चला के आता हूं एक बार। गाइस यार मैंने तो पंचर बना दिया, और हालत देख रहे हो, इतना खतरनाक पसीना, इतनी गर्मी है, और जस्ट मैं बैठा तो छाए में था लेकिन गरम गरम हवा आती है ना तो उससे पसीना निकलता ऑटोमेटिक शरीर का। होगा इसके पीछे कुछ भी, निकलता निकल ले दो। पानी भी इससे ज़्यादा मस्त अब भी जाके पीऊँगा, मटके का मस्त ठंडा ठंडा पानी। तो ब्लॉग इधर, मतलब वीडियो इधर तक था। सिंपल सा वीडियो था कि साइकिल का पंचर कैसे बनाते हैं घर में, वो भी बनाऊँ, बिकॉज अभी अभी नहीं और कभी भी ज़रूरत पड़ती रहती है यार पंचर बनाने की। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे मज़ेदार वीडियो में। तो यहाँ तक वीडियो को देखने की तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं, बाय बाय, टट्टा, बाय बाय।